नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ताजगी भरी चाय, क्योंकि आजकल चाय का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो हम कैफीन चाय पीते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। इतने नुकसान होते हैं कि जितना बता लो उतना ही कम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ताजगी भरी चाय कैसे तैयार करें और इसके अनेकों बेनिफिट हों। ये चाय पीने से सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, जल्दी आप बीमार नहीं होंगे। अगर इस चाय का प्रयोग करते हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब में राहत मिलेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी तो ये छोटी छोटी बीमारी आपको नहीं लगेगी, गले की परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, इस चाय की इतनी खूबी है कि कहीं अगर जोड़ों में किसी को दर्द है, अगर इस चाय को ले रहा है तो दर्द में भी आराम आ जाता है, सिर के दर्द बंद हो जाते हैं, स्फूर्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, ताकत मिलता है, मन खुश हो जाता है। दोस्तों, तो जान लेते हैं ये चाय हम कैसे तैयार करेंगे। इस चाय को तैयार करने के लिए आपको 4.5 कप पानी लेना है। 4.5 कप पानी को एक बर्तन में डाल दीजिए गर्म होने के लिए। जब पानी आपका उबलने लगेगा तो आप उसमें 2 इंची अदरक तथा 20-25 तुलसी के पत्ते को कूटकर उबलते हुए पानी में आपको डाल देना। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि उसमें 1 चम्मच सूखी धनिया डालना है, जो आपके किचन में मौजूद होता है। इस ताजगी भरी चाय को तैयार करने के लिए आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं लेना है। उसे 2-3 मिनट खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। जब 2-3 मिनट उबलेगा, उसके बाद आप उसे उतार लीजिए। उतारने के बाद उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना आपको, तथा अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार गुड़ ऐड कीजिए। देसी गुड़ जो आती है उस गुड़ को ऐड कीजिए और आप उसे गरम गरम पीजिए। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा आपको, इसमें आपको पानी, अदरक, तुलसी के पत्ते, नींबू का रस, धनिया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको धनिया डालना ही डालना है। आप चाहे तो धनिया नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर धनिया डालते हैं तो उसके और भी बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि यह ताजगी भरी चाय है जो आपको ताजगी देगी, स्फूर्ति देगी, आपकी आलस को भगा देगी, शरीर में ताकत देगी, लेकिन कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देगी, कई बीमारियों को दूर भी करेगी। फिर उसमें आप गुड़ लेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि गुड़ लेने से खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि ताजगी भरी चाय है और आपने देख लिया इसमें जो चीज में हमने मिला रखा है। और इसके साथ साथ ये फायदा होगा आपको कि कैफीन से आप बच जाएंगे। जो कैफीन आपको नुकसान करता है, आपके शरीर को नुकसान करता है, उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि जो हम कैफीन युक्त चाय पीते हैं उसे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, शरीर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, शरीर की सफाई नहीं होता है, शरीर में टॉक्सिन बढ़ता है। और ये ताजगी भरी चाय जब आप पिएंगे तो इससे आपके शरीर की टॉक्सिन बाहर आ जाएंगे। उस चाय को पीने से थोड़ी सी शरीर में गर्माहट आती है, थोड़ी सी ताजगी महसूस होती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर ये ताजगी भरी चाय आप पीते हैं तो आपको 24 घंटे एनर्जी मिलेगी, 24 घंटे ताजगी भरी रहेगी, 24 घंटे स्फूर्ति रहेगी, 24 घंटे आप तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, इसलिए ये जो नुस्खा है आपके किचन में मौजूद होता है, सस्ता नुस्खा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे एक बार बना के पिएंगे, हमेशा पीने की इच्छा करेगी और
इसके देखिए चाय की चाय और दवा की दवा, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गई, चेहरे पे ग्लो रहेगा, पेट साफ हो जाएगा, कहीं हड्डियों में दर्द नहीं होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको नुस्खा बहुत ही अच्छा लगा और आप इस चाय को जरूर प्रयोग करेंगे। तो आप ये ताजगी भरी चाय बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बतलाएं कि आपको चाय कैसी लगी। और दोस्तों इस ताजगी भरी चाय के नुस्खे को आप अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव को शेयर जरूर करें। और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।